हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज और आप देख रहे हैं यू आर अदीज। जैसा कि आपको पता है कि इस समय थर्ड वेव यानी ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कई जगह लॉकडाउंस कर दिए गए हैं और बनारस में भी अभी मीटिंग्स चल रही हैं। नाइट कर्फ्यू तो लगा ही है और अभी मीटिंग्स चल रही हैं कि क्यों ना वीकेंड कर्फ्यू यानी वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन अगर थर्ड वेव से बचना है तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप लोग ज़्यादातर अपने घरों में रहें, बहुत ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, गवर्नमेंट का ये कहना है। और अभी ऐसे कोई लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया नहीं की गई है यूपी में, लेकिन बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारी कंपनियों को बंद कर दिया गया है, वहाँ पे ऑफिस वर्क नहीं हो रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हो सकता है कि आगे चलकर लॉकडाउन कर दिए जाएं, तो इसलिए आप लोग पहले से ही तैयारियां कर लीजिए, पहले से ही सतर्क रहिए इस चीज़ से। और इलेक्शंस भी यूपी में, विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और इलेक्शंस की तैयारियां जोरों शोर से हो रही हैं और हो रही थी। कांग्रेस का एक तरफ नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो सपा का दूसरी तरफ नारा है कि 300 यूनिट शायद बिजली मुफ्त दे रहे हैं वो, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी है, वैसा यहाँ हो सकता है कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाए। और उसके बाद बहुत सारे वादे हैं जो अखिलेश ने किए हैं, बहुत सारे वादे हैं जो जो प्रियंका गांधी ने किए हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे वादे के साथ भाजपा भी है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसी बीच हमारे पार्षद वार्ड नंबर 70 कटिहार के, जो कि अफजाल अंसारी हैं, उन्होंने कई सारे काम किए हैं। आज कुछ दो तीन काम मैं उनके गिनवाने वाला हूं। आज इस वीडियो का यही टॉपिक है कि किसने क्या काम किए हैं, यानी आज से हम लोग ये देखेंगे कि किस पार्षद ने क्या काम किए हैं, और ये वीडियो का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वार्ड नंबर 70 कटिहार के, यानी कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कितने काम किए हैं, आइए देखते हैं उनके कामों की लिस्ट। 15,000 के काम का लोकार्पण हमने आज किया है। ये रबल मोल का काम होने जा रहा है और तमाम गलियों की रिसेटिंग का कार्य है, ये मेरे निधि का कार्य है। जनता कितनी खुश है इससे? हमारे वार्ड की सम्मानित जनता सदा खुश रही है। आगामी 10 साल से जनता का हमें आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन जो दायित्व हमें मिला है हम ईमानदारी से अपना दायित्व निभाते चले आ रहे हैं। देखा जाए कि पार्षदी चुनाव भी आने वाला है, नज़दीक है जी, तो इसको देखते हुए कार्य कर रहे हैं या अभी पहले से कर रहे हैं? आप मेरे क्षेत्र में पता कर ले, ये 2 महीने के अंदर लगातार ये मेरी तीसरी ओपनिंग है और हर साल हर महीने मेरी ओपनिंग चलती है। तमाम चारों तरफ मेरा काम चल रहा है और आगे भी काम चलता रहेगा। ये मेरा प्रयास रहता है कि वार्ड नंबर 70 कटेर के अंतर्गत जितनी गली है, जितना मोहल्ला है, जो उनकी ज़रूरत है, इंशाल्लाह सरकार किसी की भी हो, हम लोगों को इतना आता है कि हम लड़के अपने वार्ड नंबर 70 की सम्मानित जनता का जो हक है लिया के लगाना हम जानते हैं। उसी क्रम में आइए, मेरा 5,15,000 के रबल मॉल की ओपनिंग है और आज हमने इसलिए ओपनिंग किया है कि हो सकता है जल्द जल्द आचार संहिता लग जाए तो ओपनिंग करके फटाक से हमारा यही हफ्ते के अंदर काम लगने जा रहा है पाकर तल्ले की मैदान में। ठीक, अभी उन्होंने हाल ही में 5,83,745 रुपए GST सहित कार कोतवाली वार्ड संख्या 70 कटिहार मोहल्ला दुल्लीगढ़ी बरवा तल्ले अंतर्गत भवन संख्या K51/12 से K51/83 105/107 होते हुए K51/80 तक गली सुधार का उद्घाटन किया है। माननीय पार्षद अफजाल अंसारी जी ने, जो कि वार्ड नंबर 70 कटिहार कांग्रेस के पार्षद हैं। और दूसरा काम उनका जो है वो ये है कि राज्य वित्त विकास निधि से 5,15,000 रुपए GST सहित लागत से कोतवाली वार्ड संख्या 70 कटिहार में मोहम्मद सईद से 51/66 के पास रबर टाइल्स का काम करवाया है, जो कि 51/65 से 51/83 होते हुए स्टेट फील्ड तक गली सुधार का कार्य किया गया है माननीय प्रसाद अफजाल अंसारी जी द्वारा। उसके पहले उनका एक काम 5 लाख का था, एक काम 4 लाख का था, ऐसे ही कई काम उन्होंने किए हैं। और क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो तैयारियां जोरों शोर से होंगी, सारे पार्षद, सारे विधायक, सारे सांसद जुट गए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस इलेक्शन में जुटे हुए हैं कि क्यों ना इस यूपी के इलेक्शन जो है वो जीता जाए, क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है पूरे इंडिया में, तो इस पर सारे लोगों की, सारे नेताओं की निगाहें हैं। अभी आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी के जमीरुल्लाह, जो विधायक अलीगढ़ के हैं, कई बार रह चुके हैं, 2 से 3 बार, उनको RLD के मंच से पीछे ढकेल दिया गया था जब वो बीच में आने वाले थे, यानी कि हाथ से हाथ मिलाकर जब वो कांग्रेस करने वाले थे, जब वो चीयर्स करने वाले थे, तो उनको RLD नेता जयंत चौधरी द्वारा पीछे ढकेल गया था, जिसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया कि समाजवादी में या कहीं भी मुसलमानों की इज्जत नहीं है। उसके बाद
मौका पाते ही असदुद्दीन ओवैसी जी ने यह कहा कि वो जगह जाते ही के हो जहाँ पे तुम्हारी इज्जत ना की जाए और हमारी पार्टी में हम तुम्हें गले से लगाएंगे। तो आज इतनी ही बातें करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।